चिल्ड्रेन कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पास्ट इंडिफिनिट की चर्चा की थी, जिसमें एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है, इसका विस्तार से वर्णन किया था। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें ये बताने जा रहा हूँ कि एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाता है। तो आइए बच्चे, हम सीखते हैं। तो आइए बच्चे, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सीखिए, मस्ती को पूरा बना करके आइए एकदम। आप वीडियो को बढ़िया से देखिए, कागज कलम लेकर के बैठिए और तब आप समझिए, और कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आइए सीखते हैं। यार देखिए, यहाँ एक्टिव फॉर्म में ये वर्ड ऑर्डर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर और इसके बाद वी फोर और फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वाज वर तो होगा ही, इसके बाद बींग लग जाएगा और भर का तीसरा रूप रहेगा और बाय लगा के एजेंट दे देंगे। यानी एजेंट का मतलब जो एक्टिव में सब्जेक्ट था वो पैसिव में बाय के बाद ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। आइए हम इसको उदाहरणों से समझते हैं। देखिए, हम उदाहरण दिया हुआ है, राम वाज ईटिंग अ मैंगो, राम आम खा रहा था। ये पता है कि खाने वाला जो है से खुद सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो इसलिए यह एक्टिव फॉर्म में है। और जब एक्टिव से हम पैसिव बदलेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट जो मैंगो है ना, वो सब्जेक्ट में परिणत कर देंगे, यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा और उसके बाद वाज का प्रयोग होगा और बींग इसका सबसे बड़ा पहचान है पैसिव का, और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप डालिए ना, इटन हो गया। अब बाय दे करके राम को संट कर दिए, आप ऑब्जेक्ट बना दिए, जो बेचारा खूब आम खा रहा था उसको बाय दे करके क्या कर दिए, उसको ऑब्जेक्ट बना दिए। अब यहाँ दूसरा उदाहरण क्या है, मदन वाज ईटिंग फोर मैंगोज। देखिए ना, मदन बड़ा लोभी आदमी है, यहाँ चार आम खा रहा, कितने आम खा रहा था, चार आम, एक आम मिलना मुश्किल है। तो यहाँ देखिए, एक्टिव से पैसिव क्या करना है, हमें फोर मैंगोस को यहाँ पर सब्जेक्ट रख दिया गया है जो कि ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ इसके बाद वर का प्रयोग करेंगे और आप इसका पहचान है कि बींग देना होगा, वी फोर की जगह पर यहाँ वी थ्री का प्रयोग करेंगे और बाय देकर के मदन को संड कर दिया गया, बहुत आम खाया है मदन, है ना, तो उसको संट कर दिया गया। अब यहाँ देखिए तीसरा उदाहरण, सीता वाज टीचिंग द स्टूडेंट, सीता विद्यार्थियों को पढ़ा रही थी, पढ़ाने वाला कौन, सीता, जो खुद सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो पक्का है डोवर है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो ये वर्ब का फॉर्म एक्टिव फॉर्म है। तो पैसिव में क्या करेंगे, यहाँ जो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स हैं इनको सब्जेक्ट बनाएंगे और स्टूडेंट प्लूरल है, इसलिए वर्ब लगेगा कि वाज, आप ही बताइए, वर लगेगा। और इसके बाद इसका जो स्पेशल सिस्टम है बींग पैसिव में, कंटिन्यूअस के लिए बींग लगा देंगे और वर्ब का तीसरा रूप डालेंगे, डाउट हो गया, और सीता जो पढ़ा रहे थे बेचारी को संड कर दिया गया, बाय दे करके वो ऑब्जेक्ट बना दिया गया। तो ये आपका एक्टिव से पैसिव बदलने का सिस्टम है। बच्चे, आपको कैसा लगा वीडियो, पसंद आता है कि नहीं, आपको समझ में आता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर आप सूचित करें और किसी तरह की बातें हैं अवश्य पूछिए। धन्यवाद चिल्ड्रेन।